प्रेमिकाओं को मारकर उनके डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने के ट्रेंड और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोई 4 टुकड़े कर रहा है तो कोई 5, कोई 35 टुकड़े कर रहा है तो कोई 70 टुकड़े। हालांकि कुछ प्रेमी भी मारकर सूटकेस में भरकर यहां वहां फेंके जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल पति पत्नी के भी सामने आ रहे हैं। पहले प्रेमी प्रेमिकाओं की बेवफाई पर लोग जिंदगी भर उसकी याद में आंसू बहाते थे, अब बेवफाई में लोग काट कर फेंक दे रहे हैं, सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। संबंध जब बोझ बन जाता है तो एक ऐसी सिचुएशन आती ही है कि इंसान ऐसे रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता है। लिव इन रिलेशनशिप में देश के कायदे कानून जहाँ महिलाओं के पक्ष में हैं, वहीं शादीशुदा रिश्तों के अंत की अदालती प्रोसेस बेहद जटिल और बदनामी भरी है। और जब चाहें अपने प्रेमी या बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, बलात्कार का आरोप लगाकर उसे जेल के अंदर करा देती है। कानून की इसी ताकत का इस्तेमाल वो धमकी के तौर पर जरा सी लड़ाई होने पर करती है, फिर वो शादी करने का मामला हो या कोई और। लड़का इसी सबसे छुटकारा पाने के लिए उसका काम तमाम कर देता है। श्रद्धा का मामला तो 6 महीने बाद खुला, न जाने ऐसे कितने मामले खुलते ही नहीं और सफाई से काम तमाम कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए रिश्तों को आसान बनाना और उससे छुटकारा पाने को आसान करना बेहद ज़रूरी चीज़ है। ज़िंदगी में कोई पसंद आए तो उससे निकाह और शादी कर लो, और शादीशुदा ज़िंदगी दूभर हो जाए तो आसानी से तलाक के ज़रिए अलग हो जाओ, फिर ज़िंदगी में किसी और के आने की संभावना खुली रखो। इससे कटपीस और सूटकेस की संभावना बेहद कम हो जाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इन आयत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।